हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास भी एयरटेल का सिम कार्ड और आप लोग के एयरटेल के सिम कार्ड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, उसकी वजह से आप लोग एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल नए अपडेट में बताऊँगा कि एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निक राइस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, एयरसेल के कस्टमर केयर से बात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करना होगा और यहाँ पर आप लोग को डायल करना होगा 198 और इसको आप लोगों को अपने एयरटेल के स्लॉट से डायल कर देना होगा। तो इसको मैं हैंड फ्री करूंगा, ध्यान से सुनिए। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं। मेरी प्रीपेड सिम है, एक दबा देता हूं। इंटरनेट काम ना करने, सिम खो जाने और कॉल ना कर पाने या रिसीव करने या एसएमएस भेजने से संबंधित समस्या की रिपोर्ट करें 1 दबाएं। एक दबा देता हूँ मैं यहाँ पे। यदि आप इंटरनेट सेवा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं 1 दबाएं। अगर कॉल करने या लेने में परेशानी है तो 2 दबाएं। एसएमएस से संबंधित समस्या 3 दबाएं। सिम खोने की सूचना देने, सिम बदलने या सिम बदलने का स्टेटस जानने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं, मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं, हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। 9 दबा देना होगा यहाँ पे। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी कस्टमर केयर से बात यहाँ पे हो रही है और कॉल भी लग चुकी है। तो अभी मेरा कोई भी इशू नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बताया कि तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, मेरा कोई भी इशू नहीं था तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कॉल डिसकनेक्ट कर दी है। तो आप लोग इसी तरीके से एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर लेना। तो वैसे बस यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को यहाँ पर पता चल चुका होगा कि आप लोग एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।